और ये तो माहे रमजान के मौके पे हम आपको आज दिखाएंगे किचन में कुछ चीजें बनाकर, इफ्तारी बनाकर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़के इफ्तारी नहीं बनाते, ऐसा नहीं है बल्कि ऐसा है कि लड़के कुछ नहीं बनाते। तो आज इसी सोच को बदलने के लिए मैं आ गया हूँ इफ्तारी बनाने के लिए। चलिए मेरे साथ बनाइए। क्या बनाने वाले हैं हम आज बनाने वाले हैं सैंडविच। तो अब यहाँ पर ये मैंने इतनी प्याज तो काट रखी है, रमजान में झूठ नहीं बोलते इसलिए मेरी बहन ने काट रखी है। अब ये मैं इतनी काट के दिखाऊंगा। ओहो, क्योंकि मैं बना रहा हूँ ना सैंडविच। आई कट गया, ये देखिए ये वेस्टेज होता है, इसको हम ऐसे निकाल के रख देंगे। और फिर मैं इसको शिमला मिर्च काटता हूँ। ये सारी शिमला मिर्च मैंने नहीं काटी है, रमजान में झूठ नहीं बोलना चाहिए, रोजे से है। ये भी किसी और ने काटी है, मैं सिर्फ काटने की एक्टिंग कर रहा हूँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, तो अब ये हम इसमें डालेंगे क्योंकि यही करना होता है। और ये डाल दिया। इसके बाद हम दो चम्मच ये डालेंगे। ये इस रेसिपी मेरी ही बनाई हुई है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब पहले डाल दें, ये है मेयोनीज। आ हा 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 हा, ये हमें डालना होता है सैंडविच को अच्छा और क्रिस्पी बनाने के लिए, दो चम्मच, क्योंकि इससे क्या है सैंडविच अच्छे से घुल जाएगा। और ये है तंदूरी मेयोनीज। ओह माय गॉड। और ये हम डालेंगे ओनली एक चम्मच, क्योंकि इसमें जो स्पाइस होता है ना, जो स्पाइसीनेस होती है, वो हमारे सैंडविच को खराब नहीं करेगी। और ये देखिए, इसको हम कहते हैं मैंगो बाइट। तो मैंगो बाइट हम इसमें, ये मैंगो बाइट के डिब्बे में मिर्च कर रखी है हमारी अम्मी ने, बाकी मैंगो बाइट है नहीं। चम्मच दूसरा लेके आता हूँ ताकि ये गीला चम्मच इसमें ना लगे। चम्मच रफ। ये देखिए, अभी हम डालेंगे मैंगो बाइट के डिब्बे में रखी हुई मिर्चें एक चम्मच। इसको कहते हैं ऑरेंज फ्लेक्स। ये तो शायद ये जो इसके अंदर है। और ये ओहो, ऑरेंज फ्लेक्स हमने डाल दिया है, क्या ही हो जाएगा। ये डालेंगे अब हम रेड सॉस, जो कि इस मेयोनीज को थोड़ी मिठास देगा। भरोसा नहीं लगा है मुझे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये बेसन और ये। तो गाइज वो नहीं डालना था, वो मैं बहक गया था थोड़ा, स्क्रिप्ट थोड़ी मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से। अब हम डालेंगे ये महंगी वाली चीज। तो ये अब इसमें फाक जैसे पूरा डाल देंगे। थोड़े से अक्स रह गए इसके, वो भी निकाल लो। बाय द वे, एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको किचन जितना साफ दिख रहा है ना, ये बहुत साफ है। कहीं आप गंदा अंदा कह रहे हो, किचन बड़ा गंदा है, रमजानों के हिसाब से बहुत साफ किया है हमने वीडियो के चक्कर में। नेक्स्ट क्या करना है भाई? ओके गाइस, तो अब बात आती है ब्रेड की बारी, ठीक है। तो ब्रेड पर एक साइड लगाएंगे हम चटनी। ये बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कोने छोड़ देते हैं, उसमें मजा नहीं आता है। आपको ध्यान रखना है कि आप पूरी ब्रेड को तर कर दें जो भी चीज लगा रहे हैं उससे, चाहे अगले को कुछ भी हो जाए, पेट में आग हो जाए, कुछ हो जाए, कर दो उसे तुम पर। दूसरी साइड हम लगाएंगे सॉस। ओहो, ये लग गई सॉस। ये देखिए क्या खूबसूरत तरीके से हमने तर कर दिया है इसको। सॉस थोड़ी कम छोड़ सकते हैं ताकि वो मिठास ना हो जाए। चटनी को हम एक बार में एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे हमारा ये मिक्सचर जो हमने बनाया है। यस, डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत सा मिक्सचर है ये। वैसे तो हम इसको किसी भी प्लेट में या फर्श पे कर देते हैं, रख देते हैं ब्रेड को। आज हम वीडियो बना रहे हैं तो हमने इसको अलग ट्रे में रखा है, और ट्रे भी बहुत अच्छी वाली चुनी है हमने। तो नाउ इट्स टाइम टू कम सम चीज, बिकॉज हमें थोड़ा चीजी सैंडविच बनाना है। लाइए ये देखिए, अब हम इसमें डालेंगे चीज स्लाइस। ये इसकी टेस्ट को थोड़ा सा वो देगा, चीजी देगा। जब चीज है तो क्या देगा, और क्या देगा, इतनी तो तुम्हें पता होनी चाहिए। बनाने बैठ गए, सीखने बैठ गए, चलो अच्छा हो आगे। इसको हम यहां से ढक देंगे। आज की इस खास वीडियो का मोटिव क्या था कि हम आपको सिखाते कि बिना माइक्रोवेव के सैंडविच कैसे बनाएं। तो ये हम आज आपको सिखाएंगे गैस पर, यानी तवे पर बनाकर। और इसका सिर्फ एक ही रीजन है, हमारे यहां माइक्रोवेव है नहीं। चलिए आइए, ठीक है, इसको हम गैस पर रख दें ऐसे, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसको हम ढक देंगे ऐसे। ये रेसिपी बाहर नहीं जानी चाहिए देश के, वरना वो लोग माइक्रोवेव बेच देंगे, खरीदेंगे नहीं, मार्केट गिर जाएगी। तो देखते हैं, वेट करते हैं 5 मिनट। तो जब तक हमारा सैंडविच तैयार हो रहा है, आइए हम थोड़े फ्रूट्स यानी कि एक संतरा छील लें। और ये हमने संतरा छील लिया, लो अब तुम छील लो। तो जब तक हमारा सैंडविच अभी भी बन ही रहा है, पता नहीं कब तक बनेगा, तो हम लस्सी भी बना लेते हैं तब तक, क्योंकि वो हमारी बीच की प्रिपरेशन हो जाएगी। इफ्तारी का टाइम हो रहा है, वरना बहुत पिटाई लगेगी। तो अम्मी ने किचन से निकाल दिया है क्योंकि सारा काम हम खराब कर रहे थे वहां पे, तो हम लस्सी बनाने के लिए बाहर आ गए हैं।
बन गई होगी लस्सी। चलिए चेक करते हैं कैसी बनी लस्सी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखिए ये रूह अफजा से मैंने इसको सजाया है बहुत अच्छी तरह से ग्लास को। और रमजान चल रहे हैं तो झूठ बोल रहा हूँ, सच बता दिया मैंने। कन्फर्म जन्नती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत लस्सी बना डाली मैंने। अब इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे बादाम डाल के। वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। इतनी खूबसूरत सी लस्सी हमने बना दी है। टंग 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 टंग। और अब हम सैंडविच देखने चलते हैं अपना कैसा रहा। चलिए तो आइए अब चेक करते हैं कि नीचे से ये कितना वो हो गया है, रोस्ट हो गया है, जो भी कहते हैं बेक हो गया है, जो भी अल्लाह से अल्लाह है। वापस ऐसे रख दो, इसे ढक दो, इसका काम कुछ ठीक लग नहीं रहा मुझे। देखते हैं गंभीर माहौल है क्या बन के निकलता है, मेहनत का है हमारे यार। तो आइए अब चेक करते हैं कि हमारा सैंडविच। ओ वाओ, चीज तो बहुत ही स्मूथली निकल रही है। और ये अच्छा नहीं बना भाई, ये नया इजाद किया है मैंने, ये यहां से जो इसका वो है ना स्टाइल, ये इसको और लजीज बनाएगा। आइए खा के चेक करते हैं, खराब तो हो ही गया है ना ये। तो गाइज आइए चेक करते हैं कि क्या बना आखिर ये। बिना धार का चाकू दे दिया मुझे। जल गया यार मैं। ओ चीज गाइस, ऐसा है कि देखो ये खराब नहीं हुआ है अभी भी। इसको मैं ऐसे एक मिला के ना, इसको थोड़ा सा सॉस डाल के इसको चम्मच से खा सकता हूँ मैं। आज पहली बार इजाद हुआ चम्मच से खाने वाला सैंडविच। आज तक हमारी सोच वही थी, हम उसको ऐसे खा रहे थे, ये सोच बदलनी होगी। चम्मच से खाना शुरू करिए सैंडविच को, क्योंकि इसकी जो हालत है, खैर वो चम्मच से भी खाने की नहीं रही है, लेकिन मैं इसको चम्मच से खा के जरूर इसको वो करूंगा। अभी तुम्हारा रोजा है, सिर्फ बिगड़ा है, बाकी टेस्ट वाइज सब कुछ साफ सुथरा है, सब कुछ अच्छा है, बस ये बिगड़ा है, तो मैं इसको खा लूंगा। तो सैंडविच के साथ जो हादसा दरपेश आया उसके बाद मुझे किचन से बाहर निकाल दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। तो अब हम इस तरबूज को काटेंगे, काम फल कटैया काम दे दिया है मुझे, तो आइए कुछ काट लें। यार मतलब चाकू की ठीक नहीं है। चलो कुछ तो सही हुआ गाइस, एक साल हो गया ना कुछ काटे वाटे, तो ना इसलिए आदत खत्म हो गई है, वरना तो मैं पिछले साल पांचवे छठे रोजे तक रवा हो गया था। ऐसे काम करे थे मैंने, ऐसे फल काटे थे कि ये लोग सोच रहे थे कि क्या तू फल काटने का काम कर रहा है दिल्ली में क्या। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो रोजा लग जावे। इसलिए आप भी ट्राई मत करिए घर पे, अगर आपने पहले कभी नहीं किया है तो। मैं करता रहूंगा, अगर मम्मी ने रोजा नहीं पकड़ा तो इस तरह की वीडियोस में आगे भी लाता रहूंगा पूरे रमजान आपके लिए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को, कॉमेंट करना मत भूलना, ठीक है गाइस। बहुत डांट खाई है मैंने आज। अस्सलाम वालेकुम।